उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद रामलीला मैदान में चल रही 16 दिन से रामलीला का 16 दिन से चल रहे आयोजन का निरीक्षण करते हुए एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह एवं सीओ सिटी इंदु प्रभा सिंह ने रामलीला मैदान में जाकर पुलिस बल के साथ आज रात को मेघनाथ वध के दूसरे दिन रावण का वध होगा उसकी व्यवस्था देखते हुए रामलीला कमेटी के सचिव आरपी सिंह यादव को तत्काल बुलाया और कहा सीढ़ियों पर कोई भी ठेले वाला या दुकानदार फड़ नहीं लगाएगा और रावण के आसपास बैरिकेडिंग लगाया जाएगा। पुलिस की व्यवस्था ठीक चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। वहीं आरपी सिंह यादव ने बताया कि इस वर्ष रामलीला मैदान में रावण की ऊंचाई 20 फुट है। फिरोजाबाद से सौरभ सिंह जिला संवाददाता की रिपोर्ट एसकेएच न्यूज। रामलीला मैदान में मेघनाथ वध होगा। मेघनाथ वध होने के बाद उनकी पत्नी सुलोचना सती होंगी। सुलोचना सती होने से पूर्व मेघनाथ की एक भुजा और सिर को लेके राम दरबार में जाएंगी। राम दरबार में जाके भगवान राम से प्रार्थना करेंगी कि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। भगवान राम और राम दरबार में सभी लोग जयकारे बोलते हुए सुलोचना को अनुमति दे देते हैं कि जाइए जाओ अपने पति के साथ सती हो जाए। तो जो अभी मैदान में गुफा बनाई जा रही है वो सुलोचना सती लीला के लिए है। एक सिरे पर सुलोचना खड़ी हो जाएगी, जो भगवान राम के द्वारा नारियल दिया गया होगा उस नारियल फूलों को लेके भगवान की आराधना करेंगी। फिर उस गेट पर लकड़ी का जो पंडाल लगाया जाएगा उसमें आग लगा दी जाएगी। सुलोचना गुफा में होके दूसरे सिरे पर निकल जाएगी। ये आज की लीला रहेगी। इस वर्ष रामलीला में एसपी सिटी और सीओ सिटी तथा उत्तर इंस्पेक्टर केडी शर्मा जी और मेला कोतवाल पीके मलिक और साथ में संजीव एसआई केला देवी बहुत विशेष परसम से पुलिस फोर्स लगाते हुए व्यवस्थाएं चाक चौबंद किए हुए हैं। अभी तक आज 9 दिन हो गए नवदुर्गा मेला होने के बाद, अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। रावण की ऊंचाई 40 फीट रखी है। एसपी सिटी ने कुछ डायरेक्शन दिए हैं कि 40 फीट ऊंचे रावण में जब आग लगेगी तो ये किसी साइड में जाके गिर सकता है, तो कम से कम 20 फीट चारों ओर बैरिकेडिंग करा दी जाए और यदि परिस्थितियां खराब हो तो उनके लिए बालू और पानी की व्यवस्था की जाए ताकि आग बुझाने के लिए तुरंत कार्रवाई की जा सके। देखिए, ये जानकारी की गई है कि किस तरीके की बैरिकेडिंग और किस तरीके की व्यवस्था रामलीला कमेटी के द्वारा दी जानी है उसमें इनके साथ डिस्कस किया गया है। बैरिकेडिंग के लिए अवगत करा दिया गया है और जनता जिन जिन रास्तों से आती है, ऐसे 5 रास्ते बताए गए हैं जिनसे आना और एक्सिट रूट बताए गए हैं, उनको कन्फर्म करते हुए इस पूरे मैदान की चारों तरफ से बैरिकेडिंग कराई जा रही है। और जो एक्स्ट्रा यहाँ पर शॉप्स जो ज़मीनों में लगी हुई हैं, जो ठेले लगे हुए हैं, उनको हटवाने के लिए मेला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है तथा अपने पुलिस को भी बताया है। तो जहाँ पे इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो सभी को खाली करा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑन फुट यहाँ पर आ सकें, पैदल आ सकें और कल की रामलीला का आनंद ले सकें। यह व्यवस्था भी की गई है और हमारा प्रयास है कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना घटे, इसलिए एक दिन पूर्व ही रामलीला कमेटी से व्यवस्थाओं के बारे में उनको अवगत कराया गया। सर, रामलीला मैदान में रावण की ऊंचाई कितनी फुट है? ये अभी मैं तो ये मेरे तो लेवल की बात नहीं, तो रामलीला कमेटी से पूछने की बात है। हमारा प्रयास ये है कि ये फायर सेफ्टी रहे इसमें और कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना होने पाए, ये व्यवस्था हमारी रहेगी।